नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक आपके लिए हिंदी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अपना GoPro Hero 9 Black जो मैंने खुद परचेस किया है, तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो अपन बनाने वाले हैं। जो प्रोडक्ट खरीदा है वो अपन क्या करने वाले हैं, जो जैसे कि मेरा जो पर्सनल काम रहता है, जो मेरा पर्सनल बिजनेस है, उसके लिए भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, और मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ, और ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ। तो तीनों चीज़ के लिए काम आएगा, तो उस हिसाब से मैंने सब एसेसरीज परचेस किया है। उसमें एक एसेसरीज कम है, वो भी एक हालांकि एक दो दिन में आ जाएगा मेरे पास। तो चलो शुरू करते हैं। और आप बोल रहे रहेंगे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कहाँ है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। 1 2 3 तो गाइज ये है अपने प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है ब्लॉगिंग के लिए, मेरे प्रोफेशनल बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है GoPro का एडेप्टर माइक, बाद में ये माइक लिया है, उसके बाद ये जो है ये वाटरप्रूफ केस है, इसके बाद ये GoPro का एक्स्ट्रा बैटरी है, और ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए केस है, और एक सेल्फी स्टिक है, और ये अपना मेन GoPro Hero 9। तो चलो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अपना प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ये मोबाइल ट्राइपॉड है, जो आप कहाँ पे भी खड़ा कर सकते हो या ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसको ऐसे लूज करने का, इसके ऊपर जो स्क्रू है उसको लूज करने का, बाद में इसके ऊपर आप ऐसा मोबाइल लगा सकते हो और वापस इसको टाइट कर देने का। ये टाइट हो गया, ये आपका मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए सेटअप रेडी हो गया। जैसे कि ये कैसा भी मुड़ जाता है तो आप ऐसा वैसा जैसा चाहिए वैसा एडजस्ट होता है। ये 360 डिग्री भी घूम जाता है, या इधर बॉल है इसको लेके ये बॉल को भी आप घुमा सकते हो। ये एक मैंने परचेस किया है, जो कभी मोबाइल से ब्लॉगिंग करना रहेगा तो इससे मोबाइल से भी आसान तरीके से ब्लॉगिंग हो जाता है। तो ये 360 डिग्री में है, और ये मेरे को 400 रुपीज़ में मिला है, अच्छा क्वालिटी मिला है। आप ये कहाँ पे भी कर सकते हैं एडजस्ट, ये कितना भी मोड़ो इसको तो ये मोड़ जाता है, तो अच्छा क्वालिटी का मिला है। इसको आप साइड में रखते हैं। तो अपने मोबाइल ट्राइपॉड तो देख लिया रहेगा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ ये GoPro का माइक एडेप्टर है। ये स्पेशली अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल माइक लगता है, तो एक्सटर्नल माइक डायरेक्ट GoPro को नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने एडेप्टर परचेस किया है। ये मेरे को 4000 रुपये में मैंने परचेस किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये GoPro कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये जो पिन है ये GoPro के अंदर जाता है, और इधर अपना जो मोबाइल का जैसा हेडफोन का जैसा पिन रहता है 3.5 mm का, उसमें ये जाता है। उसके साथ आप उसके बाद में वापस सी टाइप भी है, तो इसको आप वापस GoPro से चार्जिंग भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास मतलब कि पावर बैंक हो या बाइक चार्जर हो या कार चार्जर हो, उससे आप GoPro को भी चार्जिंग कर सकते हैं इससे, और डायरेक्ट तो चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन माइक नहीं लगेगा। माइक इनबिल्ट GoPro में है, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ती है जब बात करना पड़ता है सामने वाले से। तो इसके लिए माइक एडाप्टर है, ये एक मैंने परचेस किया है। उसके बाद मैंने परचेस किया है GoPro वाटरप्रूफ केस। तो आप बोलेंगे GoPro ऑलरेडी वाटरप्रूफ है तो केस काय के लिए खरीदा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि GoPro जब नया रहता है तो चल जाता है, जब नया रहता है GoPro तो पानी में सीधा सीधा चल जाता है, लेकिन आप एक एक्सटर्नल केस लेके ही रखना, बहुत काम आता है। आप डबल प्रोटेक्शन होएगा आपके GoPro को। तो मैंने ये एक परचेस किया है, अच्छा क्वालिटी का है, ये मेरे को 1000 रुपीज़ में गिरा है। आप देख सकते हैं इसमें सीधा आपको GoPro डालना है, ऐसे पैक करने का है, और ये जो है ऐसा लेके पैक करने का, और ये अपना जे माउंट या आपको इधर ये स्क्रू निकाल के आप डायरेक्ट लगा के पानी में या जिधर आप पानी में जा सकते हो उधर
ये आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको गोप्रो भी अच्छा सेफ रहेगा। डायरेक्ट नया नया जो रहता है गोप्रो, क्योंकि जो मैंने जहाँ से खरीदा है गोप्रो, अपना दोस्त ही है, उसने मेरे को बताया कि डबल प्रोटेक्शन ही अच्छा है गोप्रो को। भले कंपनी ने दिया है उसको कि आप डायरेक्ट पानी में डाल सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन अच्छा है। तो मैंने ये एक गोप्रो का केस खरीदा है, ये टेलसिंग कंपनी का है, तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। बाद में और एक मैंने केस लिया है जो है यूलानजी, जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए काम आता है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ऐसा केस है, इसमें मैनुअल्स भी है, स्टिकर से जो आप लगा सकते हैं, ये मैं साइड में रख देता हूँ। ये जो केस है, ये केस इस काम के लिए आता है, जैसे कि मैंने एडाप्टर बताया आपको, ये एडाप्टर, क्योंकि आप गोप्रो का एडाप्टर लगाएंगे तो ये रखेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए इसको एक ऑप्शन दिया है। ये देखो इधर नीचे आपको दिखता रहेगा, ये साइड दिखता रहेगा, तो ये पिन जो है इसके अंदर डालने का, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। ये पिन ऐसा अंडर डालने के बाद ये जो आपका मशीन है, जो एडाप्टर है, ये इसके अंदर जाता है। ये देखो ये अभी इसके अंदर गया और ये कवर भी खुलता है। तो इधर देखो, इधर स्पॉट दिखा रहेगा, इधर से गोप्रो डालेंगे तो ये पिन इसको गोप्रो के अंदर जाता है। तो आपको इधर माइक के लिए और एडाप्टर के लिए, मतलब कि ये चार्जिंग के लिए, आपको दोनों के लिए जगह मिल जाता है। तो ये लटकता हुआ नहीं रहेगा मोटो ब्लॉगिंग के टाइम, तो ये फिक्स हो जाएगा और ये ऐसा अपन लगा के मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये खरीदा। आप उसको हाथ में लेके भी मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ताकि इधर लाइट लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं। अगर इधर माइक लगा है तो ये साइड में आप लाइट लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा केस है, ये भी मेरे को समथिंग 1000 रुपीज़ में मिला है, अच्छा प्राइस में मिला है। और दूसरी बात, मैंने माइक लिया है जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए माइक लगेगा, तो मैंने एक माइक खरीदा है जो छोटा सा केबल है इसके लिए, लेकिन इससे भी छोटा चाहिए एक्चुअली केबल, लेकिन इतना तो मिनिमम लेना पड़ता है, कम से कम एक 1.5 मीटर का है। ये माइक लिया है 3.5 mm का, जो ये एडाप्टर में लगने वाला है इधर, ऐसा ये एडाप्टर में लगने के बाद ये अपन अपने हेलमेट जो में है, हेलमेट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो एक माइक खरीदा है, ये उसका है। और जो आपने यूलैंड का जो कवर दिखाया मोटो ब्लॉगिंग का, इसका वो लेंस कवर है, और ये लेंस कवर है, और ये उसके ऊपर लगाने वाला दूसरा कवर है, अगर वो मैक्स मोड जो लेंस आता है गोप्रो का, उसके ऊपर लगाने वाला। बाद में मैंने लिया है गोप्रो का बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी लिया है, मैं ओरिजिनल नहीं लिया, कंफर्टेबल बैटरी लिया है, जो इसके साथ ये यूएसबी केबल आता है, ये मैनुअल आता है, और ये चार्जर है, जैसे कि 3 बैटरी का चार्जर है, एक साथ 3 बैटरी आप चार्जिंग कर सकते हैं। और ये दो दो बैटरी मैंने खरीदा है, ये 2 बैटरी खरीदा है, ये कंफर्टेबल बैटरी है, ओरिजिनल नहीं है, जैसे कि आप ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि 3 बैटरी का चार्जर है और 2 बैटरी एक्स्ट्रा इसके साथ है, और एक गोप्रो में ऑलरेडी बैटरी आता है, उसका बैटरी इसके साथ डाल सकते हैं। तो ये जो चार्जर है, ये आप सी टाइप से, जैसे कि मोबाइल का सी टाइप हो गया, पावर बैंक का सी टाइप, या कार का, या बाइक का, कोई भी सी टाइप लगा के इसको चार्जिंग कर सकते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये आप कहाँ पे भी चार्जिंग कर सकते हो, और इसका बैकअप भी अच्छा है ये बैटरी का। तो मैंने ये बैटरी ये भी टेंसिंग कंपनी का ही लिया है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट मिला है मेरे को। तो फिलहाल ये भी साइड में रख देते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है गो इजी प्लस का सेल्फी स्टिक, जो गोप्रो ब्लॉगिंग के लिए काम आएगा। तो ये बॉक्स है उसका गो इजी करके, और ये भी मेरे को 1000 रुपीज़ में गिरा है। मैंने माइक का प्राइस नहीं बताया, माइक मेरे को 200 में मिला है, और इसका प्राइस नहीं पता रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइस बताता हूँ। ये स्टिक मेरे को 1000 में मिला है, जिसमें अपन इधर गोप्रो अटैच कर सकते हैं, और ये इसका स्क्रू है, इसको आप टाइट कर सकते हैं, और ये
लॉकेबल है, मतलब कि ऐसा लॉक खुलता है इसका घुमाने के बाद, और ये इसका हाइट बढ़ता है। बहुत लंबी हाइट भी है इसको, इतना बड़ा हो जाता है, आप देख सकते हो, आपको हाइट का अंदाज़ा आएगा। ये कम से कम 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर के आसपास हाइट है इसका। तो आप इजीली ऐसा मोटो ब्लॉगिंग अपना सॉरी ब्लॉगिंग कर सकते हो इसको गोप्रो लगा के। एक अच्छा प्रोडक्ट है ब्लॉगिंग के लिए, जो मैं ब्लॉगिंग का फुटेज डालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा मैं इससे ब्लॉगिंग करता हूँ। तो ये एक मैंने लिया, ये मेरे को 1,000 रुपीज़ में गिरा है, और अच्छा क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, ज़्यादा हेवी भी नहीं है, लेकिन हाथ में कुछ रखा है ऐसा लगता है अपने को, तो एक अच्छा क्वालिटी का है। और उसके बाद मेन अपना आता है गोप्रो हीरो 9। तो ये मैंने वहाँ से अनबॉक्सिंग किया था, मतलब वहाँ पे मैं फोड़ के लाया, क्योंकि उधर चेक करना पड़ता है प्रोडक्ट। ये देख सकते हो गोप्रो हीरो 9, इसमें आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा रहेगा, आपको मालूम रहेगा 20 मेगापिक्सल कैमरा, 5K के सपोर्टेबल है, 33 फीट आप पानी के नीचे लेके जा सकते हैं, वॉइस कंट्रोल है, 8X स्लो मोशन है, और बहुत सारी चीज़ है, टाइम रैप अभी बढ़ाया है, हाइपर स्मूथ है 3.0। आप अगर ऐसे दौड़ेंगे गोप्रो लेके तभी भी आपको लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा फुटेज देख के कि आप गिम्बल लेके दौड़ रहे हो। और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं 1080p पे, रॉ फुटेज है, टच स्क्रीन दिया है, बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है। और एक बात बताना चाहता हूँ, इसके साथ एक 1+1 का वारंटी आता है। 1+ मतलब कि 1 साल आपको बिल पे मिलता है, और 1 साल आपको ये रजिस्टर करना पड़ता है गोप्रो को साइट पे, उसका भी वीडियो में डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख लेना कि कैसे वारंटी एक्सटेंड करने का है। तो एक कवर आता है इसके ऊपर येलो कलर का, उसका वारंटी रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1+1 वारंटी रहता है, तो ये जो बैग है, या ये बैग में ये बॉक्स रहता है इसके अंदर, और जो आप गोप्रो खरीदेंगे तो इधर आप जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो इधर आपको स्टैम्प दिखता रहेगा, इसके ऊपर लिखा है ऑफिशियल प्रोडक्ट इन इंडिया, तो ये खास इंडिया के लिए प्रोडक्ट बना है, तो ये जब स्टैम्प जरूर रख के प्रोडक्ट खरीदना। और इसके साथ एक थैली आता है, ये थैली पे लिखा रहेगा, आपको दिखता रहेगा, 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। तो इसके ऊपर ईमेल आईडी है, जो जिसके ईमेल आईडी पे आपको ये प्रोडक्ट का डिटेल सेंड करने का। तो इसके बाद ये मैंने आपको ये बॉक्स का डिटेल तो बताया है, इसके ऊपर MRP है 49,500 रुपीज़। ये MRP बॉक्स MRP है, और जो मेरे को गोप्रो की गोप्रो का प्राइस मेरे को पड़ा है वो है 42,000 का, तो ये गोप्रो मेरे को 42,000 में पड़ा है। और जो सब प्रोडक्ट है उसका अराउंड कॉस्ट एक 50,000 के आसपास हो गया है पूरा सब, मतलब कि मैंने मेमोरी कार्ड नहीं बताया आपको, उसमें मेमोरी कार्ड भी मैंने ऐड किया है, 64 GB का मेमोरी कार्ड है, हाई स्पीड वाला, तो वो मेरे को 1,200 रुपये में गिरा है, और टोटल कॉस्ट मेरा 50,000 तक गया है, और गोप्रो का ही खाली कॉस्ट है 42,000। तो अभी फाइनली गोप्रो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये इसका केस है, इसके ऊपर गोप्रो का आपको ब्रांडिंग दिखने को मिलेगा, तो खोलते हैं इसको। इसको खोलने के बाद इसके अंदर पहला मैनुअल्स वगैरह आता है, जैसे कि कैसे यूज़ करने का एंड ऑल, ये सब प्रोडक्ट है, और गोप्रो के स्टिकर्स मिलेंगे, और ये सब्सक्रिप्शन गोप्रो का है, ये कुछ फिलहाल इतना काम कर रही है, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद गोप्रो के बॉक्स के अंदर सी टाइप USB केबल मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सी टाइप केबल है USB, अच्छा क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है मेरे को। और ये एक है केबल, उसके बाद एक माउंट है, जो गोप्रो मोटो ब्लॉगिंग का माउंट रहता है, तो ये माउंट है। तो फिलहाल के लिए कैसे हेलमेट अभी जो आते हैं, तो ऐसे मतलब कि चोच वाले आते हैं, तो उधर ये माउंट लगता नहीं, तो अभी एक नया माउंट निकला है वही मैंने ऑर्डर किया, ये तो कुछ फिलहाल काम का नहीं, ये 3M का टेप रहता है, ये निकाल के आप चिपका सकते हो, और बाद में इधर गोप्रो अटैच करके आप सीधा इसे डाल सकते हो। एक एक इसमें दिया है,
उसके बाद उसको टाइट करने के लिए जैसे कि दिखाना चाहता हूँ आपको, ये स्क्रू दिया है जो इसको टाइट कर सकते हैं इसके अंदर डाल के, तो GoPro ऐसा इसको टाइट करने का। बाद में GoPro ने GoPro Hero 9 का एक बैटरी दिया है जो अच्छा चलता है। ये ओरिजिनल बैटरी है, मैंने कंफर्टेबल बैटरी खरीदा है वो मैं आपको पहले दिखा है। एक बैटरी मिला है और मेन जो आता है अपना GoPro Hero 9, आप देख सकते हो छोटा सा कैमरा है लेकिन इसका क्वालिटी आप देखेंगे। मैं अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद इसका दूसरा वीडियो डालूंगा जो मेरा ब्लॉगिंग वीडियो रहेगा, आप जरूर देखना, उसमें आपको GoPro का क्वालिटी का पता चलेगा। तो ये है GoPro और इधर दो इसको पहिए दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेल्फी स्टिक यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये सेल्फी स्टिक हो गया या वो माउंट हो गया, तो इसको आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ऐसा लगता है इसके ऊपर, और ऐसे इधर से स्क्रू टाइट करने का जो मैं आपको बताया कि कैसा ब्लॉगिंग करने का, और जैसा आप एडजस्ट करना चाहते हो वैसा ये स्क्रू लूज करके एडजस्ट करने का, इसका हाइट बढ़ाना चाहते हो या क्या जैसे। तो ये आप ना मोटो ब्लॉगिंग के लिए यानी कि ब्लॉगिंग के लिए चलते टाइम आप ऐसे रख के चल सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा तो मैं GoPro 9 से करूँगा, तो आपको देखने को मिलेगा इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो फिलहाल के लिए एक फोन लेते हैं, तो ये था GoPro हमारा, और ये वाटरप्रूफ है लेकिन इसको केस मैंने बोला है जो वाटरप्रूफ केस जरूर लेना, डबल प्रोटेक्शन होता है आपके आपके कैमरे को। तो ये मेरा केस है जो मैंने डबल केस लिया है, सिर्फ इसके अंदर आपको एक GoPro बैटरी वगैरह सब मेमोरी कार्ड डाल के ये डालने का है और इसको ऐसा पैक कर देने का है। ये आपको GoPro का डबल प्रोटेक्शन हो गया, ताकि आप पानी में डालो या तालाब में डालो, कहाँ पे भी डालो, समुंदर में जाओ, समुंदर में ज़्यादा रिक्स रहता है गाइस हर एक प्रोडक्ट का, चाहे वो वाटरप्रूफ मोबाइल हो या GoPro हो कोई भी, क्योंकि उसका पानी जो रहता है वो खारा पानी रहता है, वो खारा पानी अंदर के जो पार्ट्स है आईसी है उसको बहुत जल्दी डैमेज करते, बहुत मतलब तेज़ी से डैमेज करते, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये केस आप कभी GoPro लेना चाहते हो तो ये केस ज़रूर से लेना, कैमरे के इस पे मत जाना, तो आपके लिए आपका सेफ्टी रहेगा। और ये सीधा ऐसा निकल जाता है GoPro। तो ये था अपना अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट और शेयर करना और लाइक ज़रूर करना और बताना कैसा लगा आपको वीडियो। मैं इसको बैटरी डाल के आपको एक बार चालू कर देता हूँ। ये ऐसा कवर, ऐसा ये जो कवर है थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है क्योंकि वाटरप्रूफ है, इसके लिए उसका मजबूती अच्छा है। और ये बैटरी है, ये GoPro का नाम और ये GoPro का नाम ऊपर रहना चाहिए, और ऐसा ही बैटरी इंसर्ट करने का और ये लगा देने का अच्छे से, ये अपना GoPro रेडी हो गया। आपको चालू करके बताया, ये हो गया चालू, आपको फ्रंट स्क्रीन भी दिखता रहेगा और ये बैक स्क्रीन, हमारा GoPro Hero 9 Black जो ब्लॉगिंग के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए या मेरे पर्सनल काम के लिए मैंने परचेस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर कुछ नया कुछ रहेगा तो नया कुछ वीडियो बना के आपको मैं दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।